इस टॉपिक के अंदर हमने जो प्रीवियसली अभी कमांड्स एंड किए हैं उनको क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमारी एक्सपर्टीज़ फर्दर डेवलप हो जाए और हम क्विकली पहले हमने थोड़ा सा टाइम लेगा कि इन सारी कमांड्स को ऑपरेट किया था, अब हम देखते हैं कि क्विकली और अगर इन कमांड्स के अंदर कोई डिफिशेंसी मेकअप है अगर हमें कोई चीज़ और ऐड भी करनी है वो भी हम कर लेते हैं और साथ हम बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो करने जा रहे हैं वो है कि कैड की हमने ऑलरेडी फाइल सेव करना तो देखा भी है लेकिन अब हम थोड़ा सा फर्दर डेप्थ में जाके कि फोल्डर क्रिएशन कैसे होती हैं और डेट के हिसाब से हम अपनी फाइल्स को मैनेज कैसे करते है। तो हैं तो आइए बढ़ते हैं ऑटो कैड की तरफ और हम ऑपरेट करके देखते हैं कि इन सारी चीज़ों को कैड में हम कैसे करते हैं ये हमारे पास प्रीवियस कंटिन्यूटी में जैसे मूव करते आ रहे हैं पहले से तो ये हमने लास्ट जो पोलीगॉन का लेक्चर एंड किया है फिलहाल हम इसको डिलीट कर देते हैं तो स्टार्ट में जो हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं प्रॉपर सेव करने के मेथड से कि हमने जब आगे मूव करना है अभी तो हमने सिंपल एक ही फाइल के अंदर मूव करते आ रहे हैं जो मेन मेन्यू के नाम से हमने कुछ टॉपिक्स uh, पहले बनाई थी बट आगे जब मूव करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल फाइल्स क्रिएट होती जाएंगी मल्टीपल डेट्स के साथ फिर एक ही डेट के अंदर हो सकता है कि हम डिफरेंट चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हो एग्जीक्यूट कर रहे हो हमारे पास कोई दो तीन प्रोजेक्ट्स हैं हम वर्क कर रहे हो तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनको हमने इन फाइल्स को हम किस तरह मैनेज करें किस तरह इनको एफिशिएंटली सेव करें और प्रॉपर डाटाबेस बन दी जाए ताकि अगर आपको कहा जाता है कि आपने ट्वेंटी फिफ्थ कोई किसी भी मंथ की कोई डेट है और उसकी फाइल अगर आपने करनी है ओपन करनी है तो इंस्टेड ऑफ कि हम बार बार उसके अंदर ढूंढें तो हम डायरेक्टली उस फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे ट्वेंटी फिफ्थ के ऊपर और अगर विद इन डेट हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें विद इन डेट कोई फर्दर हमारे पास फाइल्स हैं तो उनको भी हम टॉपिक वाइज ही सेव करके देख लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने मेन फोल्डर में वापस आ जाते हैं तो ये हमारे पास आपके सिस्टम में भी ऐसा ही होगा यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ, आ रहे होंगे डेस्कटॉप है तो कभी भी एक चीज़ आपने याद रखनी है सी ड्राइव में डेस्कटॉप ही सी ड्राइव के अंदर ही आता है एक्चुअली हमारा इसमें हम कोई फाइल सेव नहीं करेंगे क्योंकि ड्यू टू तो एनी रीज़न अगर कभी भी विंडो क्रप्ट होती है या सिस्टम किसी भी वजह से बंद हो जाता है तो हमेशा वो सी ड्राइव को जो है वो इफेक्ट करता है तो हम सी में सेव नहीं करेंगे ना ही हम क्योंकि डेस्कटॉप भी सी के अंदर आता है तो हमारे पास यहाँ डी ड्राइव मौजूद है हम डी ड्राइव के अंदर इसको सेव कर लेते हैं तो यहाँ पर हम न्यू राइट क्लिक किया हमने जहाँ जिस ड्राइव में हम सेव करना चाह रहे हैं उस ड्राइव के अंदर आए हम और यहाँ पर हमने राइट right क्लिक करके न्यू में जाके एक नया फोल्डर हम क्रिएट कर लेते हैं सो ऑटो कैड फाइल्स के नाम से हमारा एक फोल्डर है इसको हम बनाकर फर्दर अब इसके अंदर हम एक और क्लिक कर देते हैं और अब हम डेट्स के अकॉर्डिंगली जो है वो इसके फोल्डर्स बना लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहे आ, वैसे हम डेज़ के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं लेकिन डेट्स ज़्यादा प्रेफर क्योंकि डेज रिपीट हो सकते हैं बाज़ अवकात सो तो जो भी हमारी डेट है हम ट्वेंटी नाइन्थ कुछ भी आप यहाँ पे एक्स वाई वाइज जो भी डेट आपकी जब आप इसको बना रहे होंगे एज इट इज़ तो कोई भी डेट मैं साम्पल डेट जो है वो यहाँ पे बीस दस दो हम कोई एक डेट ये हम स्पोज कर रहे हैं आप जब ओरिजिनल डेट्स होंगे हमने डेट मंथ और ईयर लिख के तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल uh, फोल्डर भी क्रिएट हो चुका है और उसके विद इन हमारे पास डेट का फोल्डर भी है अब हम वापस अपनी ड्रॉइंग में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास uh, हमारी ड्रॉइंग ओपन हो चुकी है सो तो फाइल में जाके जिस तरह हमने पहले तो सेव तो क्योंकि ऑलरेडी हमारी ये स्टूडेंट वर्जन में हम इसको सेव एज कर लेते हैं इसी फाइल को तो एज करने के बाद अब यहाँ पर हमने एक्सेस देनी है कि हमने इसको कहाँ सेव करना है तो क्योंकि हम ऑलरेडी डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर चुके हैं तो हम उसी फोल्डर में जाएंगे अब उसको में जाने के दो मेथड्स हमारे पास हैं एक ये कि हम यहाँ टॉप यहाँ सेव इन ये हमारे पास जो नजर आ रहा है हम यहाँ से भी डी ड्राइव एक्सेस कर सकते हैं या हम जाएँ तो डेस्कटॉप सिस्टम से भी जाके तो हम यहीं से कर लेते हैं तो यहाँ पर जैसे हमने डी ड्राइव पर क्लिक किया तो ये हमारे पास फोल्डर के ऑप्शन आ रहे हैं जो फोल्डर अभी हमने क्रिएट किए हैं उसमें एक फोल्डर हमने ऑटो कैट फाइल के नाम से सेव किया है मैं उस पर क्लिक करता हूँ उसके विद इन हमारे पास एक और फोल्डर क्रिएट नजर आ रहा है जो कि हमने डेट के अकॉर्डिंगली फोल्डर सेव किया है हम उस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हम ये है हमारी तो इसके अंदर हम आ, कोई भी फाइल का जो आपका नाम है जो प्रोजेक्ट टाइटल है सपोज आप, आप, आप मरला हाउस डिज़ाइन की बात कर रहे हैं आप कोई लाइन अभी क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक्स में काम कर रहे हैं हम लाइन पॉइंट लाइन पोलीगॉन्स के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्विक इसका नाम भी कुछ ऐसा ही रख लेते हैं हम ओवर व्यू ऑफ सपोज इतना बड़ा नाम वैसे हम नहीं रखते हम इसको शॉर्ट रखेंगे लेकिन फिलहाल चलें हम जो भी नाम स्पोज करके हम क्विक ओवरव्यू ऑफ कमांड्स तो ये हम कुछ कमांड्स का क्विक ओवरव्यू कर रहे हैं और ये हमने जो इनिशियल सेटिंग्स की थी सेव एज ताकि ये और इसके वर्जन में ओपन हो सके तो ये हमारे पास वो ऑप्शन भी आ रही है कि टू थाउजेंड और उससे अनवर्ट किसी भी हम इसको वर्जन में ओपन कर सकते हैं और हम यहाँ सेव करते हैं जैसे ही हमने सेव किया तो ऊपर हमारे पास ये जहाँ पे भी मेरा कर्सर मूव कर रहा है तो डी ड्राइव के अंदर ऑटो कैड फाइल्स के अंदर एक फोल्डर है जो जिसका नाम है ट्वेंटी टेन टू थाउजेंड एटीन एंड देन उस फोल्डर के अंदर क्विक ओवरव्यू ऑफ कमांड डॉट ड्राइंग क्योंकि डॉट ड्राइंग जो है एक्सटेंशन है कैड की जो हर फाइल के साथ जिस तरह एक्सेल में हम एक्सएल एस देखते हैं या डॉट डी ओ सी डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं तो अब हमारे पास प्रॉपर फाइल सेव हो चुकी है जब भी हम चाहेंगे एक्सेस कर सकते हैं अब हमने जब नई फाइल ओपन करनी होगी तो नई फाइल ओपन करके इसी मैथड से इसी मैनर से हम सेव करेंगे तो अब हम ये तो था आ, सेव करने का एक मेथड हमने देखा अब हम क्विकली लाइन लाइन जैसा कि हमने पहले भी लेक्चर प्रॉपर कर चुके हैं देर आर फोर मैथड्स लाइन वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट की जो बेस लाइन है हम कहें कि फाउंडिंग ब्लॉक जब हम ड्रा करते हैं तो ये एक फाउंडिंग ऑब्जेक्ट है और इसी ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट चार मेथड थे हमारे पास फर्स्ट मेथड था हमारे पास हम लाइन ड्रा कर सकते हैं फ्रॉम प्रा मेन्यू यहाँ पे हमारे पास लाइन के ऑप्शन मौजूद थी यहाँ से वो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट आप फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं अब स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं आप चाहें तो आप नेक्स्ट पॉइंट के लिए खुद से भी क्लिक कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी डायमेंशन लेकिन अगर चाहें तो आप यहाँ पे डायमेंशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं विद यूनिट्स हमने वो फीट का सिंबल लगाया और ये जिस डायरेक्शन में अब लाइन लग रही है ये उस डायरेक्शन में आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये आपकी एक लाइन लग चुकी है सेम हमारे पास दूसरा मेथड जो था लाइन लगाने का वो क्या है ये हम जो आप लेफ्ट साइड पे हमारे पास हमारा ये शॉर्ट कीज मौजूद है यहाँ से भी हम लाइन लगा सकते हैं सेम चाहे तो आप डायमेंशन और एंगल हमने मेथड देखा है अगर हम इसी लाइन को आप डायमेंशन और एंगल देना चाहें जैसा कि हमने पहले टॉपिक्स में कवर किया है सो एट द रेट ऑफ हम इसको फोर फीट और एट एन एंगल ऑफ के लिए हम लेस देन का साइन करके इसको थर्टी एंटर, तो ये हमारे पास different dimension with different angle से भी लाइन लग चुकी है थर्ड मैथड हमारे पास हम कमांड लाइन में पूरा लाइन लगा सकते हैं और चौथा और जो आसान मैथड हमारे पास है वो है एल एंटर लाइन लगाने के लिए तो एल एंटर से भी हम इसको लगा सकते हैं तो ये हमारे पास क्विक ओवरव्यू था लाइन लगाने का इसको बार बार रिपीट करना है आपने बार बार करना है ताकि हमारी ग्रिप मजबूत हो जाएगी सेकेंड हम क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं पोली लाइन का जिस तरह के हमने कहा कि पोली लाइन एक सीरीज़ ऑफ जो हम करेक्टेड सेगमेंट्स की जब बात करते हैं और जब हम कलेक्टेड कनेक्टिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे होते हैं कि हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट लगाएं और वो चाहे उसके मल्टीपल क्लिक्स हों लेकिन जब आप उसको एज ऑब्जेक्ट देखेंगे क्लिक करेंगे तो वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट उसके भी मल्टीपल मेथड्स हैं ड्रा से हमने देखा हमने यहाँ शॉर्ट ये यह जो हमारी कीज़ है साइड से यहाँ से देखा और पीएल तो हम यहाँ पे फिलहाल जो है वो ड्रा uh, के कमांड से अगर हम देखें तो पोली लाइन तो ये हमारे पास जो है वो मल्टीपल ऑप्शन हैं जो हमने लाइन फिर इसकी हमने देखा कि हम प्रॉपर्टीज भी बदल सकते हैं कुछ इसकी विर्थ भी बढ़ा सकते हैं हम इसके साथ हम कुछ प्ले भी कर सकते हैं तो उसमें एक हमारे पास मेथड ये था कि फर्ज करें हम ये पी एल मीन्स पोली लाइन एंटर पहले मैंने ड्रा से लगाई है अब इसकी शॉर्ट की तो स्टार्ट पॉइंट हमने इसको दिया अब स्टार्ट पॉइंट के बाद सपोज हमारे पास जो पहली लाइन है उसकी लेंथ मौजूद है यानी हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कोई ऐसी हम रोड ड्रा कर रहे हैं कोई बाउंड्री लाइन कि फर्स्ट हमें पता है कि यहाँ तक ये यह लाइन जो है ये तीन सौ फीट की जाती है फिर आगे जाके किसी और डायरेक्शन में ये फर्दर दो सौ की है लाइन की लेंथ है तो सपोज ये हमारे पास तीन सौ फीट की ऑप्शन मौजूद है तो यहाँ हम लेंथ के ऊपर क्लिक करके इसको जिस डायरेक्शन में देना चाह रहे हैं थ्री हंड्रेड फीट और एक सिंगल क्लिक एंटर तो अब हमने जहाँ पे ये मूव किया तो एक लाइन हमारी जो है वो उसने 300 फीट की ड्रा की है और अभी हमें फर्दर ऑप्शन वो दे रहा है कि अब आप कोई और लाइन अगर लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे जो एक चीज़ बड़ी गौरतलब है वो ये है कि अगर आपने दो दफ़ा एंटर का बटन प्रेस कर दिया तो ये लाइन एंड कर देगा लेकिन अगर आपने सिंगल क्लिक की तो ये आपको और ऑप्शन भी देगा कि आप इसे कंटिन्यू कर सकें कैसे ये मैं दोबारा पी एंटर ये हमने सपोज यहाँ पे कोई भी लेंथ हम दे देते हैं और वो हमारी टू हंड्रेड फीट है अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक की बटन प्रेस करता हूँ जैसे ही मैंने डबल क्लिक दो दफ़ा एंटर का बटन प्रेस किया है तो क्या किया उसने लाइन को क्लोज कर दिया है एंड कर दिया है लाइक दिस वन लेकिन अगेन पी एल एंटर ये दोबारा हम इसको देखते हैं और सपोज मैं वही टू हंड्रेड फीट की डायमेंशन के साथ सिंगल अगर क्लिक एक दफ़ा एंटर कर रहा हूँ सिर्फ एक दफ़ा तो मुझे वो एक और ऑप्शन दे रहा है कि आपने एक और लाइन तो अब सपोज हम दोबारा एक नई लेंथ की लाइन लगा लेते हैं और उसकी हम लाइन लेंथ रख देते हैं थ्री हंड्रेड फीट तो ये हमने एक और लाइन लगा तो इस तरह आप मल्टीपल डायरेक्शन में लाइन को लगा सकते हैं अब इसकी जो लाइन के साथ एसोसिएटेड लास्ट हमारी चीज है वो ये कि सपोज आपने लाइंस लगानी है एक ही और पोली लाइन लगानी है लेकिन उसी पोली लाइन के अंदर आपने विड्थ को चेंज करना है एक पॉइंट से किसी एक पॉइंट तक आप कहते हैं कि लाइन की विड्थ थ्री फीट हो बट आगे जाके वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट अख्तियार कर रही है कोई कोई अहम लाइन है आपकी कोई सॉलिड लाइन है उसकी विर्थ बदल जाए तो हम क्या करते हैं पी एंटर कर लेते हैं हम तो यहाँ से हम कहीं भी स्टार्ट पॉइंट अपना स्पेसिफाई कर दें स्क्रीन के ऊपर क्योंकि फिलहाल हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं हमने सपोज ये हमारी लाइन ऐसे है हम आर्थो ऑन करके रख लेते हैं और आर्थो जैसे ऑन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन हमारी लगना स्टार्ट हो जाएंगी यहां तक हमारी लाइन हम चाहते हैं कि ये इसकी विड़थ जो है वो बाई डिफॉल्ट रहे जो पॉइंट टू फाइव एम एम है अब हम चाह रहे हैं कि इसकी विर्थ बदल जाए आगे लेकिन ऑब्जेक्ट एक रहे एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएट हो जाए विथ अब हम इसकी विर्थ पे क्लिक करते हैं और विथ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम फोर फीट की सिंबल जो है वो प्रेस कर देते हैं और इसकी एंडिंग विथ भी फोर फीट तो अब हम जो लाइन लगा रहे हैं आप नोट करें तो क्या हुआ है ये वाली लाइन इसकी स्लाइटली विथ जो है वो इंक्रीज़ हो गई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस अब हम सिंगल क्लिक या डबल क्लिक कर देंगे दोबारा डबल क्लिक मीन्स डबल एंटर दो दफा आप डबल एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये भी इसी लाइन को यहीं एंड कर देगा लेकिन मैंने एक सिंगल एंटर प्रेस किया है जैसा कि ये हमारे संग नजर आ रहा है एक दफ़ा आपने एंटर का बटन प्रेस किया तो आपके सामने दोबारा ये आपको ऑप्शन दे रहा है अब मैं दोबारा नई लाइन लगाने के लिए विड्थ को जो है वो हम चेंज कर लेते हैं और हम इसे टेन फीट कर देते हैं टेन एंडिंग और टेन ही स्टार्टिंग तो अब हम नोट करें तो यही लाइन जो है वो फर्दर इसकी विड़थ इंक्रीज होती जा रही है अब हम एक लास्ट इसको एंड करने से पहले विड़थ को सपोज फिफ्टी फीट तक लेके चले जाते हैं फिफ्टी स्टार्ट और फिफ्टी एंड अब अगर हम देखें तो हमारी लाइन की जो विड्थ है वो और ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है तो इस तरह हम एक सिंगल जो हमारे पास पोली ऑब्जेक्ट एक है ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं है बट एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर हम उसकी प्रॉपर्टीज बदल रहे हैं तो ये भी आप कर सकते हैं और जब भी हमने वापस आना होगा होगा बाजू का प्रॉब्लम्स आ जाती है स्टूडेंट को विर्थ चेंज कर दिया अब हम जो भी लाइन लगाएंगे अब अगर हमने अगर वापस ओरिजिनल कभी वापस आना है तो पी एंटर करके अब मैं कहीं भी लाइन लगा रहा हूँ तो वो जो लास्ट विर्थ मैंने पिक की थी वो उसी वेड्स को पिक कर रहा है बट अगर मैंने इसको चेंज करना है तो हम विर्थ के ऑप्शन में आकर दोबारा जीरो स्टार्टिंग और ज़ीरो एंडिंग करेंगे तो ये हमारे पास दोबारा जो है वो ओरिजिनल तो इस तरह हम पोलीलाइन के साथ जो है वो प्ले कर सकते हैं उसके वेड्स और लास्ट हम एंडिंग कर रहे हैं पोलीगॉन हमारे पास जो कंपोनेंट था जो हमने क्विकली तो उस पोलीगन के हमारे पास मल्टीपल मेथड से हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं हम ड्रा से सिलेक्ट कर सकते हैं और हम पी ओ एल ले यहाँ से भी तो फिलहाल मैं ड्रा सेक्ट कर रहा हूँ तो ये हमारे पास पोलीगॉन uh, जैसी हमने क्लिक की तो नंबर ऑफ साइड्स पूछी उसने हमने कहा छह साइड्स हैं सपोज एंटर नंबर ऑफ साइड्स आप एंटर कर दें और आपने सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया और आपने इंस्क्राइब्ड तो हमारे पास ये डिफरेंट पोलीगॉन की जो है वो टाइप्स ये आपके सामने पोलीगॉन की शेप और उनकी टाइप्स नज़र आ रही हैं कि ये ट्राइंगल है रेक्टेंगल है पेंटागॉन हैगजगॉन है तो आप किसी भी शेप की कोई पोलीगॉन जो है वो ड्रा कर सकते हैं और यहाँ पे आपने बताना है कि वो इंस्क्राइब्ड हो या सरकम्सक्राइब्ड हो और इसके बाद जैसे ही आपकी पॉलीगॉन लग गई है आप सी की कमांड सर्कल एंटर करें और हम यहाँ से सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करके अगर आपने इसको सर्कमस्क्राइब करना है तो हम किसी एज पे क्लिक कर देते हैं और अगर मिड में क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो सी हमारी जो है वो इंस्क्राइब पोलीगॉन हम ड्रा कर लेंगे तो इस तरह ये हमारा क्विक ओवरव्यू हो गया कि हम इन कमांड्स को क्विकली ऑपरेट कैसे करते हैं इस टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट हमने चीज़ सेव करने की बात की जो कि आपने डेटा बेस अपनी प्रॉपर बनानी है मेंटेन करनी है और इसके साथ हमने बहुत क्विकली जो है वो उन कमांड्स को ऑपरेट किया तो आई होप आप भी जब इसी टॉपिक के साथ सेम पेस में और अब हम अपनी पेस थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ करते जाएंगे प्रोजेक्ट तक पहुँचते हुए ताकि हम जब प्रोजेक्ट पर पहुँचें एग्जैक्ट हाउस प्लान बनाना है या थ्री में तो हमारी स्पीड और हमारी पेस थोड़ी सी इंक्रीज हो एफिशेंसी हमारी बढ़ जाए ताकि हम प्रोजेक्ट को ईजिली जो है वो एग्जीक्यूट कर सकें